एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ब्लू हेवन लॉन्ग वेयर लिप कलर्स को। तो मैंने रिसेंटली इन्हें मंगवाया है फ्रॉम nykaa.com। ये आती हैं इसी तरह की पैकेजिंग में, इसके ऊपर कोई भी कार्डबोर्ड पैकेजिंग आपको नहीं मिलेंगी, तो आपको ये डायरेक्टली ऐसे ही मिलती हैं। इनका जो प्राइस है वो है ₹105 और आपको 6.5 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। इस लिपस्टिक में नंबर और नाम दोनों लिखे रहते हैं, जैसे इसमें लिखा है 251 और ये है कोड रेड, मतलब ये रेड कलर में है। इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरह से आपको दिखेगी। जब मैं इस लिपस्टिक को लूँगी तो आपको एक गोल्डन कैप मिलेगी, तो सब में एक गोल्डन कैप है। जब आप इसे ओपन करते हैं तो जो इसका एप्लीकेटर है वो बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है इसका एप्लीकेटर यूज़ करने के लिए, तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने लिप्स पे बिना किसी मेस को क्रिएट किए हुए। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 13 months बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी, उसके बाद 30 months तक ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो कहीं इस साइड लिखी होगी ब्लैक में, और इसके बॉटम में आपको कलर, कलर नंबर और कितने ग्राम ऑफ प्रोडक्ट या कितने ml ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो मेंशन होगा। इसमें कहीं पे भी इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट नहीं है, कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो आपकी लिपस्टिक है उसमें पैराबेन है या पैराबेन फ्री है। सो, इसके जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की तरफ। इसकी जो फ्रेग्रेंस है उससे सिट्रसी आपको खुशबू आएगी, मतलब जो लेमन फ्लेवर रहता है उसकी कहीं ना कहीं इसमें हल्का सा फ्लेवर है उसका। तो जब आप लिप में अप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइक 2 से 3 minutes में चला जाता है, तो स्मेल इसका बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब मैं चलती हूँ इस लिपस्टिक के टेक्सचर की तरफ। ये लिपस्टिक ग्लॉसी है, मैं इसे मैट नहीं कहूँगी, क्योंकि ये ग्लॉसी है तो ये लॉन्ग वेयर बिल्कुल भी नहीं बनती है, और इसकी ग्लॉसीनेस के कारण बहुत अजीब सा लगेगा आपको लिप्स पे, मतलब आपको पूरे टाइम एक स्टिकी फीलिंग रहेगी और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपने लिप्स पे कुछ अप्लाई करके रखा हुआ है, तो आपको हमेशा ये फील होगा कि आपके लिप्स पे कुछ है। तो ये आपको एक स्टिकी फीलिंग देगा कि ये थोड़ा लिप ग्लॉस टाइप का है, तो ये एकदम नेचुरल है कि अगर आप लिप ग्लॉस लगाते हैं तो वो आपको थोड़ी सी स्टिकी फीलिंग देता है। अब हम लोग देखते हैं इसका कलर पे ऑफ कैसा है वन स्वीप के बाद। तो जैसे ही मैं अपने हैंड पे से लगाती हूँ तो ये एक स्वीप में ही बहुत अच्छा कलर देता है। ये थोड़ा शाइनी और शिमरी कलर देता है आपके लिप्स पे, क्योंकि ये ग्लॉसी है। अब मैं अपनी ओपिनियन शेयर करती हूँ इस लिपस्टिक के बारे में। मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर मैं रेट को कंसर्न में लूँ तो 105 एक अफोर्डेबल रेट है, बट क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली किस प्रूफ लिपस्टिक का रिव्यू किया और वो मैट थी, और साथ में जो उसका रेट था वो अराउंड कुछ लिपस्टिक का 80 भी पड़ रहा था, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परचेस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं इतनी ग्लॉस में नहीं हूँ। अगर आपको ग्लॉस पसंद है तो आप इस लिपस्टिक को ले सकते हैं, बट अगर आप मैट लवर हैं तो आपको ये लिपस्टिक कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, जिस तरह से मुझे नहीं किया है। तो इतना ही था इसके बारे में बताने के लिए। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की तरफ, और इसकी रेटिंग, और क्या मैं इसे दोबारा लेना चाहती हूँ। तो इसका जो पहला प्रो है वो ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़ है वो इसका कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है, तो इसकी फ्रेग्रेंस है वो भी आपको बॉदर नहीं करेगी, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो, इतने ही प्रोज हैं जो मुझे इस लिपस्टिक में अच्छे लगे। अब हम लोग चलते हैं इसके कॉन्स की तरफ। तो जो फर्स्ट कॉन मैं इसमें देखती हूँ, इसमें लिखा है लॉन्ग वेयर लिपस्टिक, बट जैसे ही मैं इसे लगाती हूँ, एक तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती इसे लगाने के बाद। आपकी जो लिप्स है वो इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, और समर में अगर आपको ये फीलिंग आए तो वो बहुत अच्छी नहीं रहती, क्योंकि मुझे अपर लिप्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जो अपर लिप्स वाला एरिया है मेरा वो बहुत स्वेटी है, तो जब भी मैं इसे रब करती हूँ तो कहीं ना कहीं जो मेरी लिपस्टिक है वो इधर उधर हो जाती है। ये लिपस्टिक समर के लिए मुझे बिल्कुल भी, जिसको अपर लिप्स में स्वेटिंग की प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छी नहीं है। सेकेंड चीज़, हमेशा आपको ये फील कराएगी कि आपके लिप्स पे कुछ लगा हुआ है। तीसरी चीज़, ये ईजिली ट्रांसफरेबल है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने अभी इसी की शेड लगा के रखी है, ये देखिए। तो पूरा, अगर आप कुछ खा रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो जो पूरा कलर है वो निकल जाएगा आपका। तो ये लॉन्ग वेयर लिपस्टिक जैसे कि क्लेम करती है, लॉन्ग वेयर लिपस्टिक नहीं है। आपको इसे बार बार अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप कुछ खा पी रहे हैं। ये जबकि डार्क कलर था और मैंने इसे आधे घंटे पहले लगाया था, उसके बाद मैंने एक कप टी पी है और ये कलर ऑलमोस्ट फेड हो गया और एकदम डार्क कलर है इसका। ये सब कॉन्स हैं, और अगर मैं इसे रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसे दूंगी 3 stars out of 5। ब्लू हेवन में ही आपको मैट भी आई है, आई थिंक 195 की रेंज में, वो आपको ट्राई करनी चाहिए अगर आप
ब्लू हेवन रेंज में जाना चाहते हैं इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरी रेटिंग है 3 out of 5। और क्या मैं इसे दोबारा परचेस करूँगी? अब बिग नो, मैं इसे सही में दोबारा परचेस नहीं करूँगी। सो अब हम लोग चलते हैं इस लिपस्टिक के स्वाचेस की तरफ। और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस लिपस्टिक जो मुझे फील हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया इसे यूज़ करने के बाद। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी की अभी लाइक करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते। लाइक हमें ये बताते हैं कि आप हमें कितना पसंद करते हैं, आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है और कितने रिव्यू आपको और चाहिए। जल्दी से जल्दी अभी उस लाइक बटन को क्लिक करिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मुझे जाके सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।